फॉर्मूला क्या है, लिखिए वाशिंग सोडा, लिखिए इधर से थोड़ा लिखिए ना, हाँ लिखिए वाशिंग सोडा, ठीक है कोई बात नहीं, इतना तक मानो तुम्हें याद है, तो वाशिंग सोडा इतना ही याद है। अभी हमको 3A2 है, बड़ी दिक्कत पड़ता है। ओके तो जैसे मानो तुम याद रख लो, थोड़ी सी दिक्कत के वजह से क्या हुआ, थोड़ा नंबर शिफ्ट कर रहा है, नंबर शिफ्ट हो जा रहा है। ओके तो क्या होता है कि ये जो तुम जानते थे जैसे वाशिंग सोडा, तुम्हें इतनी मालूम है कि ये सोडियम से बनता है, इतना मालूम हो गया ना, और यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड तो होगा नहीं, सोडियम से बनता है, ठीक है बेटा, जैसे सोडियम से Na+ NaNO3, लेकिन तुमने अभी लिखा NaCO3 और दैट इज अ कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, Na हो गया और CO3 2-1, तो ये 2 वाला इधर आ जाएगा, है कि क्लियर, तो क्या हो जाएगी Na2CO3, ये हो जाएगा तुम्हारा वाशिंग सोडा का फॉर्मूला। लिखिए Na2CO3, ये होगा सोडियम, दैट इज वाशिंग सोडा का फॉर्मूला। अभी जब मान लो कि हमें फॉर्मूला नहीं मालूम, फॉर्मूला मालूम हो गया, अभी इसके बाद देखा जाता है कि बनता कैसे, तो फिर डर लग जाते हैं। तो जैसे मतलब ये जो वाशिंग सोडा बनने से पहले क्या बनता है, याद है कुछ, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जैसे मतलब धोने का, और एक तो खाने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा से पहले खाने वाला सोडा बनता है, खाने वाला सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जैसे हम लोग किचन विचन में यूज करते हैं, खाने वाला होता है। अच्छा तो लिख दीजिए बेकिंग सोडा, एक नाम लिख दीजिए बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा लिखिए, केमिस्ट्री के रिएक्शन में ऑलवेज मतलब प्रॉब्लम होती है। तो एक हो गया वाशिंग, एक हो गया बेकिंग, ठीक है ना, तो ये जो वाशिंग का एच को ले लो, वाशिंग का एच को ले लो तो क्या बन जाएंगे, बेकिंग क्या होता है, NaHCO, ये होगा बेकिंग सोडा। अभी ये बेकिंग सोडा तो राइट में बनेगा, फिर उसको हीट करके बनेगा, तो बेकिंग सोडा तो इधर बन जाए NaHCO3, एरो का इधर रहेगा, है ना, इधर आएगा, तुम्हें याद आ गया कुछ, जैसे इसके बाद और क्या होता है, इसके इधर इस रिएक्शन का इधर इधर कुछ होता है, नहीं होता कुछ याद आ रहा है, पहले तो ये वॉशिंग सोडा के ये Na2CO3, Na2CO3 तो बाद में बनेंगे, इसको हीट कर देंगे तब बनेंगे, तो ये पहले बनना चाहिए ना, इसके साइड में प्रयास से कुछ याद आ रहा है, तुमने बुक खोल लिया, बुक खोलोगे तो हर दिन बुक खोलना पड़ेगा, उससे अच्छा एक दिन बिना बुक खोल के पढ़ते ना, हाँ तुम्हें मालूम है इसमें कुछ लगते हैं, इसके साथ कुछ आते हैं और अकेला बन जाता है। अच्छा और इसका लग चुके वॉशिंग सोडा जो है इसमें 2 लेटर्स है, सॉरी 2 लेटर नहीं 2 वर्ड है, तो सोडियम में भी 2 आएगी और इसके प्रोडक्ट की तरफ भी 2 आती है, ठीक है, यहां पे भी 2 आते हैं प्रोडक्ट, क्या आता है, कैन यू टेल, 10H2, वो तो इसकी फॉर्मूला होती है, देखो बहुत अच्छा तरीका से हाइड्रोजन बोला था ना, एच मेन क्राइटेरिया वॉशिंग, वॉशिंग का एच को जरूर ध्यान रखिएगा, तो अभी तक हमने 2 बोला था, यहां पे 2 प्रोडक्ट आए, अभी मैं बता रहा हूं, देखो ये जो वॉशिंग जब लिखते हो HING, ये जो वॉशिंग जब कोई भूल जाओगे तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो NH तो इसमें NH जरूर लिख दीजिएगा, जब तुमको याद नहीं आएगा NH लिख दीजिएगा, 2 था तो उस जगह पे क्या होगा, ये वाला 4 आता है, 2 के बाद 4 आता है NH4, इसके बाद पता नहीं चलता है क्या होता है, ठीक है बेटा, फिर देखो
जब मान लो कि हम लोग ये देखते हैं कि वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, वॉशिंग सोडा का बात करते हैं, ओके, तो उस केस में जैसे NaHCO3 NH4 और क्या बनता है, इधर याद है कुछ, कुछ याद है, ये बताओ ये आता कहां से, सोडियम कहां से हम लोग ज्यादा मिलता है, सोडियम कहां से मिलता है, सोडियम कहां से मिलता है, ज्यादा सोडियम कहां पे, समुद्र में रहते NaCl के साथ, तो ये वाला कहां से आएगा, NaCl से आएगा, तो तुमने थोड़ा सा यहां पे NaCl लिख दिया, जब NaCl लिखा तब इधर से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब कुछ है, लेकिन यहां पे Cl तो यहां पे Cl दिया NH4 से, उस पर एक एक करके चेक किया, सोडियम यस हो रहा है, ये नाइट्रोजन कहां से आएगा, नाइट्रोजन तो नहीं, ये तो सोडियम का ही नहीं, तो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कहां से आएगा, नाइट्रोजन आने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी किसके, जो तुम्हारा अमोनिया, नाइट्रोजन का सोर्स क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया से आएगा, उसके बाद दूसरी जो बात होती कि ये आने के बाद NH3 जो है ना अमोनिया है, इसके बाद जैसे देखा कि CO3 है, तो CO3 किससे आता है, CO2 से आता है, CO2 के बाद देखा रहे बाकी कहां गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां से आ जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बात है, तो वो आ जाएगा कहां से, वाटर, तब जाके ये वाला बने, ये वाला बने, फिर इससे फिर क्या होगा, Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है बेटा, तो इस तरीका से ध्यान रखना, जैसे वॉशिंग के पहले जो है ना एच वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखो तो और याद आ जाता है Na2CO3, वो तो याद आ जाएगा, अभी Na2CO3 कहां पे वॉशिंग का एच को लेंगे, NaHCO3 आ रहा है, उसके बाद सोचते क्या कि NaHCO3 के साथ और भी तो होता है ना, दो वाटे दो प्रोडक्ट होते हैं, तो वाली है ना, तो NH4 ये जो यहां से एन और एच इस तरीका से कुछ धन लगा NH4Cl, Cl क्यों, बिकॉज सोडियम आता है तो NaCl से, नाइट्रोजन आता है अमोनिया से, कार्बन आएगा CO2 से, और NaCl जब भी होगा पानी के साथ ही तो मिलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन कहते हैं, ब्राइन, ब्राइन, ये जो पानी और ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड, अब ये तुम्हें थोड़ा याद रहेगा, कोई रिएक्शन को सीखो, आ जाओ, कोई रिएक्शन को सीखोगे तो इस तरीका से सीखो, उसको इलाबोरेट करके सीखो, किसी का लेटर से, किसी का उससे, तो आज हम लोग रिएक्शन ही सीख लेते हैं, हर रिएक्शन को, ठीक है, कैसे रिएक्शन कैसे याद करो, ठीक है, ओके।